आज रानो चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि वो जहाँ पर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती आज तो उसे वहाँ पर से भी काम से निकाल दिया गया था। कितनी मुश्किलों से ये काम मिला था और यहाँ से भी हटा दी गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई काम तो ढूंढना ही होगा वरना मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया कई जगहों पर काम की बात करती है लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं काम नहीं मिलता। अचानक से तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, तभी उसके पास एक चमचमाती कार आकर रुकती है। रानो तो रो रही थी। अरे रानो जी, आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो हो और रो क्यों रही हो? अरे आप तो कब पूछ रहे हो, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी तुम्हें बारिश में भीगते हुए देखा तो बस आपके पास रुक गया। कब पूछ रहे, बहुत दुखी हूँ, मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई। मैं अपने बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किलों से कर रही थी और देखो ना आज यहाँ से भी काम से निकाल दी गई। मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रानो इतना कुछ हो गया तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, अगर आती तो शायद आपकी ये हालत कभी ना होती। कैसे आती, मुझे तो पता ही नहीं आप कहाँ रहते हो क्योंकि आप शादी के बाद कभी मिले ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो मैं कुछ करता हूँ। फिर वह छिड़ा रानो को अपनी मोटर बाइक में बिठाता है और अपने कपड़ों की बहुत बड़े शोरूम पर ले जाता है। तो क्या ये दुकान आपकी है? हाँ रानो, ये मेरी ही दुकान है। ये तो बहुत बड़ी दुकान है कप्पू जी, मैं यहाँ कोई भी काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा भी लगा दूंगी क्योंकि मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। कप्पू छिड़ा उसके स्कूल का दोस्त था, वो उसे पसंद भी किया करता। आज रानो की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। नहीं नहीं रानो जी, मैं आपसे झाड़ू पोछे का काम नहीं करवाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया, क्या हमारी दोस्ती को भूल गई हो? देखें कप्पू जी, मेरे हालात इस समय कोई भी काम करने को तैयार है, अपने बच्चों का पेट जो भरना है, आप प्लीज मुझे यही काम दे दें और मैं करूंगी भी क्या। रानो चिड़िया बार बार ऐसा कहती है लेकिन कप्पू चिड़ा उससे झाड़ू पोछे का काम तो कभी नहीं करवाना चाहता था। रानो जी ये कुछ पैसे ले लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए किसी न किसी काम का बंदोबस्त करता हूँ। अब ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया उसका धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है और उसके दिए हुए पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के ले जाती है। अगले दिन कप्पू चिड़ा अपने शोरूम में कोई काम करवा रहा था तभी रानो भी उसके पास आ जाती है। अरे वाह कप्पू जी, आप कपड़ों के साथ ये कॉस्मेटिक की दुकान भी लगा रहे हो, ये तुमने बढ़िया सोचा है, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। रानो जी ये काम मैंने अपने लिए नहीं सोचा, ये तो मैंने आपके लिए सोचा है। अब से ये छोटी सी दुकान आपकी है, मैं चाहता तो ये दुकान बाहर भी लगवा देता लेकिन यहाँ जगह की बड़ी प्रॉब्लम है और किराया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने शोरूम में ही लगवा दी। यहाँ भी लेडीज पक्षियों की भीड़ लगी होती है, आप अपना काम ध्यान से करना। रानो की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे, वो बहुत खुश थी। कप्पू जी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। अरे रानो दोस्ती में एहसान कैसा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम कुछ नहीं करती? अरे बाप रे, अगर ऐसे ही बातें करती रहोगी तो दुकान पर ध्यान कौन देगा। चलो चलो अब काम पर लग जाओ, मेरी दुकान में कस्टमर की भीड़ लगी होती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी छोटी सी दुकान में बैठ जाती है और सामान बेचना शुरू करती है। रानो की दुकान कपड़ों के शोरूम में होने के कारण पहले दिन से ही कमाई होनी शुरू हो जाती है और वह शाम को कप्पू चिड़े से बोलती है, कप्पू चिड़े आज पहले दिन ही 3,000 की बिक्री हुई है, मेरे लिए तो ये 500 ही काफी है, बाकी के पैसे आप रख ले। अरे रानो आप ये कैसी बातें करती हो, आज से ये दुकान आपकी है, जो भी कमाई होगी वो सब तुम्हारी होगी, बस जो सामान कम होता दिखाई दे उसे तुम मेरे साथ खरीद कर ला सकती हो क्योंकि मैं कपड़े लेने बाजार जाता रहता हूँ। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ सही कहा तुमने, एहसान तो बहुत बड़ा है, यूं ही नहीं चुका पाओगी, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। हाँ हाँ बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सब करूँगी।
तुम्हें बादाम पिस्ते वाली खीर बनानी होगी जो तुम स्कूल में लाती थी, मुझे बहुत पसंद थी। अरे वाह, आपको तो वो खीर अभी तक याद है, मैं कल ही बनाकर लाती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसे रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब वो रोज अपनी दुकान पर जाती और खूब पैसे कमाती। धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो एक बड़ी दुकान खोल लेती है। अब तो कपूचड़ा भी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। कपूचड़े, आज आपकी वजह से मेरी खुद की दुकान है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिन दुकानों में काम करती हूँ ऐसी कभी मेरी भी दुकान होगी। रानो, आप कितनी खुदगर्ज हो गई हो, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन आपने मेरी शादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने शादी अभी तक क्यों नहीं की। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, और अब तो आपको कर भी लेनी चाहिए, वैसे अभी तक क्यों नहीं की। रानो जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये आप क्या बोल रहे हो, मैं विधवा चिड़िया हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। रानो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बच्चों और आपका पूरा ध्यान रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर रानो चिड़िया शादी के लिए हाँ कर देती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। बच्चों से कपूचड़ा भी खूब लाड़ प्यार करता। फिर से रानो का जीवन खुशियों से भर जाता है। कपूचड़ा भी रानो से शादी करके बहुत खुश था। आपका धन्यवाद। चील माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके घर में प्यारा सा अंडा आया था। पति जी, हमारा अंडा कितना छोटा सा है। कोई बात नहीं पत्नी जी, कई बार अंडे छोटे रह जाते हैं, एक बार हमारे अंडे से बच्चा बाहर आ जाए मैं उसको खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा और बहुत जल्द ही स्याना कर दूंगा। खाने पीने से याद आया, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, आप जाएं मेरे लिए भोजन ले आएं। मैं भोजन लेकर जल्द ही आ जाऊंगा, अंडे का ध्यान रखना, इधर उधर ना जाना। मैं भी अंडे की माँ हूँ, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर पापा चील भोजन लेने के लिए चला जाता है। उनके घोंसले से थोड़ी दूर एक दूसरा चील रहता था, वो बहुत बुरा था। कौवों के अंडे तो मैंने बहुत बार खाए हैं लेकिन आज तक अपनी प्रजाति का अंडा नहीं खाया, क्यों ना आज इन्हीं चीलों का अंडा खाया जाए, और वैसे भी इसका पति अभी अभी बाहर गया है। ऐसे सोचकर वो बुरा चील मम्मा चील के पास जाता है और बोलता है, चील बहन बधाई हो, अब बहुत जल्द तुम्हारा भी बच्चा होगा, अब तुम भी मम्मा बन पाओगी। लंबे समय के बाद ये खुशी मिली है हमें, अब हमारे भी घर में बच्चा आएगा जो हमें मम्मा पापा बोलेगा। मम्मा चील ऐसे बोलकर चुप हो जाती है। वो बुरा चील तो घोंसले से जाने का नाम ही नहीं लेता। चील भाई जी, अब आप जाएं, बधाई तो दे दी है, अब मुझे आराम करने दें। मम्मा चील के इतना कहते ही बुरा चील अपने बड़े बड़े पंजों से हमला कर देता है और उसे घायल कर नीचे गिरा देता है। अब खाऊंगा पहली बार किसी चील का अंडा, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं ऐसे अपना अंडा तुझे नहीं खाने दूंगी, जालम दुष्ट कहीं के। बुरा चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी मम्मा चील अंडा चोंच में दबाकर वहां से भाग निकलती है। बुरा चील भी उसका पीछा करता है। मैं ज्यादा दूर नहीं उड़ पाऊंगी, मुझे अपने अंडे को कहीं छुपाना होगा, इस जालम से छुपाना होगा। फिर मम्मा चील को एक घोंसला दिखाई देता है, उसमें दो अंडे रखे थे। वो जल्दी से अपना अंडा वहां रख देती है और दूसरा अंडा उठाकर उड़ने लगती है। बुरा चील उसे पकड़ ही लेता है और अंडे को खा जाता है। मम्मा चील की तो मौत हो जाती है। अरे, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और यहाँ पर अंडा भी नहीं है, मुझे ढूंढना होगा। फिर चील का पति अंडे और उसकी माँ को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी दूर पर उसे अपनी पत्नी मरी हुई दिखाई देती है और टूटे हुए अंडे का खोल देखकर वो फूट फूट कर रोता है। चलो, मेरे दोनों अंडे सुरक्षित हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिड़िया, तुम कमाल करती हो, अपने अंडों को अकेला छोड़कर चली जाती हो। नहीं गौरी बहन, मैं तो बिल्कुल अभी गई थी, बस नदी से पानी पीकर आई हूँ। चिड़िया, तुम्हारा एक अंडा छोटा है और एक बड़ा। नहीं तो गौरी, मेरे अंडे दोनों बराबर के हैं, आपको देखने में लग रहा होगा। नहीं, ये वाला अंडा बड़ा है, मेरी नज़र
पिंजरे बहुत तेज हैं। हाँ तो अब हो गया होगा बड़ा, और अब अंडे टूटने का समय भी नजदीक आ रहा है। इस बड़े अंडे का बच्चा शायद बड़ा ही होगा। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के दोनों अंडे टूट चुके थे। ये क्या, मेरे दोनों बच्चे इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? छोटा वाला तो मुझ पर गया है, लेकिन ये बड़ा वाला तो मुझ पर बिल्कुल नहीं गया। मम्मा चिड़िया ऐसे हैरान थी। चील का बच्चा अभी बहुत छोटा था, तो इसलिए मम्मा चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती। खैर जैसा भी हो, है तो मेरा ही बच्चा, सूरत थोड़ी अलग है तो क्या हुआ, सब ऊपर वाले का खेल है। इस तरह से चिड़िया दोनों बच्चों को खूब लाड़ प्यार करती, उन्हें भोजन खिलाती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चील का बच्चा अब बड़ा हो रहा था। चिड़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तो एक चील का बच्चा है। चिड़िया अभी के अभी इस बच्चे को पहाड़ों पर छोड़ाओ, ये एक चील का बच्चा है। तुम इतने दिनों से एक चील के साथ रहती हो। गोरी कबूतर ये मेरा बच्चा है, मेरी आँखों के सामने अंडे से बाहर निकला, इसकी सूरत ही चील से मिलती है, तो इसका क्या कसूर, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ कर आऊँगी। हम कुछ नहीं जानते, ये चील का ही बच्चा है, अब तुम्हारे अंडे से कैसे निकला ये तुम पता लगाओ। अभी के लिए इसे निकाल फेंको, वरना ये बड़ा होकर सबसे पहले तुम्हें खाएगा और फिर हमें। कालू कौवे मुझे अपनी सीख पर पूरा यकीन है, ये किसी को नहीं खाएगा, क्योंकि अब ये चील के साथ नहीं पल रहा, एक चिड़िया के घर पल रहा है। पालो पालो, जब तुझे और तेरे बच्चे को खाएगा तब पता लगेगा। और चिड़िया एक बात ध्यान से सुन लो, आज से तुम्हारा हमारे घर आना जाना बंद। ना तुम हमारे घर आओगे और ना ही हम तुम्हारे घर आएंगे, पड़ोसी होने का रिश्ता भी खत्म। ऐसे बोलते हुए सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये कौवे अंकल आंटी मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मैं भला अपनी माँ और को क्यों खाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, ये सब पक्षी पागल हो गए हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दिया करें, आपकी मम्मा है वो सब देख लेगी। ऐसे मम्मा चिड़िया चील के बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और बड़ी सहूलियत के साथ अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। अब वो दोनों को उड़ना सिखा रही थी। मेरे बच्चों अपने दोनों पंखों को ऊपर की तरफ ले जाएं और शरीर को हल्का करके सीधा उड़ने की कोशिश करें, पंखों को ऊपर नीचे चलाएं। मम्मा मम्मा पहले मैं उड़कर दिखाता हूँ। चील का बच्चा उड़कर दिखाता है, वो तेज और ऊंचा उड़ता है। मम्मा चिड़िया तो उसे देखकर खुश हो रही थी, तभी बुरे चील की नजर चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, आज का शिकार तो मिल गया, ये रहा चिड़िया का बच्चा, इसे ही खाता हूँ। फिर बुरा चील मम्मा चिड़िया के पास आता है और छोटे बच्चे को पकड़ लेता है। जालम चील मेरे बच्चे को छोड़ दे, कृपया इसे मत खा, चाहे तो मुझे खा ले। खाऊंगा खाऊंगा, तुझे भी खाऊंगा, लेकिन पहले इसे तो चखूं। बुरा चील छोटे बच्चे को खाने ही वाला था, तभी चील के बेटे की नजर अपने भाई पर जाती है। वो तेजी से भागता हुआ आता है और बुरे चील का सामना करता है। मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे बहुत मारूंगा। अरे रे रे, तू तो मेरी जाति का है, फिर इस चिड़िया के बच्चे को क्यों बचा रहा है? आ जा, हम दोनों इन्हें मिल बांट कर खाएंगे। खबरदार, ये मेरी माँ और ये मेरा छोटा भाई है, अब जाते हो या मेरा सामना करोगे। ये कैसे हो सकता है, चील की माँ चिड़िया कभी नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ है। कहीं तो उस चील का बेटा तो नहीं जिसे मारकर मैंने उसका अंडा पिया था, और वैसे भी और उसका स्वाद भी चिड़िया के अंडे जैसा ही था। मैं समझ गई, अब मैं अच्छे से समझ गई। बेटा चील इसे छोड़ना मत, इसी ने आपकी असली माँ को मारा है, इसे मार दो। फिर छोटा चील बुरे चील को खूब मारता है और गुस्से में मार मार कर उसकी जान ले लेता है। मम्मा मम्मा, मैं आपका ही बेटा हूँ, प्लीज सच जानने के बाद मुझे अकेला ना छोड़ देना। नहीं मेरे बच्चे, मैंने आपको पाला है, तुम अब सिर्फ मेरे बेटे हो, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा आपको माँ का प्यार दूंगी। ऐसे मम्मा चिड़िया दोनों बेटों को घर ले आती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। उस चिड़िया की बेटी यूं तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, मगर मम्मा चिड़िया के गरीब होने की वजह से उसकी बेटी अब तक कुंवारी थी। चिड़िया की इस मजबूरी में अपना मुनाफा कमाने कौवा भी उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है रानू चिड़िया, मैं हर संडे को देखता हूँ, गुड़िया को देखने लड़के पक्षी तो बहुत आते हैं, क्या अभी तक कोई बात नहीं बनी? कालू भैया, मैं गरीब हूँ, उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकती, इसलिए सब के सब मेरी बेटी में ही नुकस निकाल के चले जाते हैं।
हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ कर लाऊंगा गुड़िया के लिए अच्छा रिश्ता। कव्वे भैया, जल्द से जल्द मेरी बेटी की शादी करवा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं तो बहुत परेशान होगी हूँ बिचौलियों से बात कर करके। अरे रे, ये क्या बोल रही हो? शादियाँ कराना तो पुण्य का काम है, बस थोड़ा खर्चा पानी दे देना। खर्चा पानी? कैसा खर्चा पानी, मैं समझी नहीं। देखो रानो, मैं कई जंगलों में घूमूंगा, तब जाकर तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ पाऊंगा। उस सब में मेरा भी तो टाइम खराब होगा। ठीक है, मैं समझ गई। आप दहेज ना लेने वाले पक्षियों का रिश्ता लाएं, मैं दे दूंगी आपका खर्चा पानी, सब दे दूंगी। ऐसे बातें कर कौवा चिड़िया के घर से चला जाता है और अपने कई कौवे दोस्तों से पूछताछ करता है। अरे, जंगल में एक चिड़ा है, वो ज्यादा अमीर नहीं है, बस जैसे तैसे अपने बेटे की शादी कराना चाहता है। यार भूरे, मुझे जल्द से जल्द उनके घर ले जा, मैं भी एक चिड़िया के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहा हूँ जो कुछ ना मांगे। फिर भूरा कौवा कालू को उस चिड़े पक्षी के घर लेकर जाता है। कालू तो वही गुड़िया के रिश्ते की बात पक्की कर देता है और दूसरे दिन लड़के पक्षी वालों के साथ रानो के घर आता है। देख लो, अच्छे से चलवा के देख लो, बुलवा के देख लो, ना तो गुड़िया लंगड़ी है और ना ही गूंगी। कालू भाई जी, गुड़िया बेटी हमें पसंद है, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। रानो, खड़ी क्या हो, जाओ अंदर से मिठाई बटाई लाओ। हाँ कालू भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ। कालू भाई जी, हम मिठाई तभी खाएंगे जब लेन देन की बात पक्की हो जाएगी। लेन देन की बात? मैंने पहले ही बोला था ये एक गरीब चिड़िया है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेशक आपने बोला था, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर लेंगे, गर्मियों के दिन है, ज्यादा थोड़े ना मांग रहे हैं। अगर एक फ्रिज भी नहीं दिलवा सकते तो हम जा रहे हैं। नाना बहन जी, आप जाने की बात ना करें, मैं दे दूंगी फ्रिज। इतनी गरीब थोड़े भी ना हूँ जो अपनी बेटी को एक फ्रिज भी ना दे सकूं। ये हुई ना बात, अब ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का हुआ। और वैसे भी फ्रिज का ठंडा पानी तो आपकी बेटी ही पिएगी, मैं तो कुछ सालों में मर जाऊंगी। फिर वो सब मिठाई खाते हैं और खुशी खुशी लड़के पक्षी वाले अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास जो एक फ्रिज खरीद सको? हाँ कालू भैया, मैंने इतने पैसे जमा कर रखे हैं। ठीक है, तो शादी की तैयारियां करो, अब तो शादी होके रहेगी, और मेरा खर्चा पानी भी दे देती तो अच्छा होता। फिर रानो कालू कौवे को कुछ पैसे दे देती है। आज माँ बेटी तो बहुत खुश थी, साथ में कालू कौवा भी। क्या बात है, कोई खजाना मिल गया जो इतने खुश हो। ये देखो गोरी जी, चिड़िया ने मुझे पूरे 500 रुपए दिए हैं, मैंने उसकी बेटी का रिश्ता जो ढूंढा। मुझे एक फ्रिज चाहिए, इतनी गर्मी में ठंडा पानी भी ना पिया तो लालच है तुम पर। मुझे क्यों सुना रही हो, फ्रिज कोई छोटी मोटी चीज थोड़े है जो दुकान से उठा लाऊं। कोई भी फ्रिज 15,000 से नीचे नहीं आता। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ है। अगर फ्रिज नहीं लिया तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और लौट के कभी नहीं आऊंगी। हाँ तो एक फ्रिज यहाँ भी ले आती, मना किसने किया था? कालू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं इसी समय चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले। गोरी कौवी तो रोने लगती है, फिर कालू कौवा उसे चुप कराता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं ला दूंगा तुम्हें फ्रिज। ऐसे कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को चुप करा देता है। दो तीन दिन बीत जाते हैं। आज मम्मा चिड़िया बाजार से फ्रिज खरीद कर लाई थी, वो बहुत खुश थी। कबूतर भाई, आराम से उतरवाना, टूट ना जाए मेरी गुड़िया का फ्रिज। अरे वाह चिड़िया, फ्रिज तो बहुत बड़ा लेकर आई हो, ये महंगा भी होगा। हाँ कालू भाई, 18,000 का है ये फ्रिज, मैंने सोचा एक ही तो मांग की है तो क्यों ना अच्छी तरह से पूरी की जाए। 18,000, मैं तो ऐसा फ्रिज कभी नहीं खरीद पाऊंगा। क्या कालू भैया, आपने कुछ कहा? क्या फ्रिज ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, इसे अंदर रख लो, बारिश का मौसम है। हाँ कालू भैया, मैं रख लूंगी। ये लो, शादी के कार्ड भी छपवा लिए। सबसे पहला निमंत्रण आपको देती हूँ, कल शादी में अपने पूरे परिवार के साथ जरूर जरूर आना। कालू कौवा तो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, वो गहरी सोच में था। बस आज रात का समय है मेरे पास, कल सुबह होते ही
फ्रिज लड़के वालों के घर पहुंच जाएगा। कैसे भी करके फ्रिज चुराना होगा। बाद में जो होता है होने दो, मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल ही जाएगा। इस तरह से कालू कौवा चिड़िया के फ्रिज को चुराने की योजना बना लेता है और उसी रात चिड़िया के फ्रिज को चुराने पहुँच जाता है। चिड़िया गहरी नींद में सो रही थी, वो चुपके से फ्रिज को चुरा लेता है। कालू जी, इतनी रात को ये नया फ्रिज कहाँ से मिल गया? धीरे बोलो, मैं ये फ्रिज चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ। कल उसके बेटे की शादी है, दहेज में देने वाली थी चिड़िया ये फ्रिज। कालू, ये तो आपने अच्छा किया। ये फ्रिज बहुत महंगा है, मैं इसे सूखे घास में छिपा देती हूँ। शादी हो जाएगी जब निकाल लेंगे। गौरी कभी चिड़िया के फ्रिज को सूखी गेहूं की फसल में छुपा देती है। सुबह हो जाती है, मम्मा चिड़िया के तो फ्रिज ना देखकर होश गुम हो जाते हैं। गुड़िया गुड़िया, हमारा फ्रिज कहाँ गया? कल रात तो यहीं पर रखा था, अब कहाँ गया? देखे मम्मा, दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई है। लगता है रात को कोई चोर घुस आया और फ्रिज को चुरा कर ले गया। बेड़ा गरक हो उस चोर का जो मेरी बेटी का फ्रिज चुरा के ले गया। अब क्या होगा? गुड़िया, आपकी शादी कैसे होगी? अब मैं दूसरा फ्रिज कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो रुपए भी नहीं है, मैं लुटगी, बर्बाद होगी। माँ, आप घबराए ना, हम ये बात उनको समझा देंगे, वो शादी से इनकार नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें। फिर लड़के पक्षी वाले बारात लेकर चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। रानू बहन जी, फ्रिज कहाँ है, हमें दिखा दें। हाँ बहन जी, मैं फ्रिज लेकर आई थी, मगर 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 क्या, आप फ्रिज ले तो आई है ना? वो बात ये है, कल रात को ही फ्रिज चोरी हो गया, मैं लाई थी। क्या कहा, फ्रिज चोरी हो गया? ये क्या बात हुई, मैं सब समझती हूँ, ये सब फ्रिज ना देने के बहाने हैं। लेकिन कान खोल के सुन लो, जब तक हमें फ्रिज नहीं मिल जाएगा ये शादी नहीं होगी। नाना बहन जी, आप बारात वापस लेकर ना जाओ, मैं जाती हूँ और आपके लिए फ्रिज लेकर आती हूँ, आप शादी की तैयारियाँ करें। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया फ्रिज वालों की दुकान पर चली जाती है। वो उधार फ्रिज मांगती है। क्यों कहो, उधार फ्रिज चाहिए? कोई सब्जी मंडी थोड़े ना है जो उधार दे दूं। अब चलती बनो। भाई जी, मेरी बेटी की बारात लौट जाएगी, कृपया मुझे फ्रिज दे दे, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगी। रानो चिड़िया खूब मिन्नते करती है, मगर कबूतर उसे उधार फ्रिज नहीं देता। मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ भटकती है। अगर कहीं से भी फ्रिज का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। हे ऊपर वाले, कुछ कर, मेरी मदद कर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ ही क्यों बुरा करता है? चिड़िया की ये बात एक जादुई परी सुन रही थी। वो चिड़िया को एक पत्तों से बना फ्रिज देती है। चिड़िया, आप ये पत्तों का फ्रिज ले जाओ और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करो, ये जादुई फ्रिज है, बिजली भी नहीं खाता। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानती मुझे ये फ्रिज देकर आपने कितना बड़ा एहसान किया है। अरे ये क्या, पत्तों का फ्रिज, हमें पागल समझा है? नहीं बहन जी, ये जादुई पत्तों का फ्रिज है, कभी खराब नहीं होगा और बिना बिजली के चलेगा, मेरा विश्वास करें। फिर लड़के पक्षी जादुई फ्रिज ले लेते हैं और गुड़िया की खुशी खुशी शादी हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। कालू, शादी तो हो गई, चिड़िया को कोई शक भी नहीं हुआ, अब हम वो फ्रिज निकाल लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी गेहूं की फसल से फ्रिज ले आते हैं। गौरी जैसे ही फ्रिज चालू करती है तो उसे जोर का करंट लगता है, क्योंकि फ्रिज के सारे तार चूहों ने बुरी तरह से काट दिए थे। कौवा तो मर जाता है। हाय, मैं मर गई, लुटगी। कालू उठो, तुम मर नहीं सकते। कालू कौवे को चिड़िया की बददुआ लगती है, वो मर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। आपका धन्यवाद। प्लीज इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।